नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है और अब जो सबसे अहम चर्चा है वो यही है कि कब शपथ ग्रहण होगा, कौन मंत्री बनेगा, कितने डिप्टी सीएम बनेंगे और अब किस आधार पर आगे के 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार बिताएगी। गली मोहल्ले से लेकर नुक्कड़ चौबारे, घर द्वार, हर जगह यही चर्चा हो रही कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस बार ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिपरिषद का विस्तार होना है, मंत्रिमंडल बनना है, शपथ ग्रहण समारोह होना है, डिप्टी सीएम बनने हैं, कौन बनेगा, कितने बनेंगे, इन सब पे चर्चा काफ़ी अहम चल रही है। कोई बता रहा है कि इस बार 3 डिप्टी सीएम बन सकते हैं, कोई बता रहा है 2 बनेंगे, कोई बता रहा है 4 बनेंगे और कुछ लोगों ने अपनी लिस्ट भी बना रखी है कि किसको किसको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में ये जान लेना बहुत जरूरी है कि बीजेपी इस बार जो उसे खुद उम्मीद नहीं थी उससे भी बेहतर जनादेश लेकर के जनता के बीच में आई है। ऐसे में जनता भी चाह रही होगी कि जो नेतृत्व हो, जिनके हाथ में कमान दी जाए, वो बेहतर तरीके से काम करें और वो लोग भी अच्छे होने चाहिए जो कि बेहतर विकास के लिए जनता के बीच रहें। अब ये किस आधार पर होगा ये भी देखना अहम है। क्या ये जात के आधार पर होगा, क्या क्षेत्र के आधार पर होगा, लीडरशिप के आधार पर होगा, वफादारी के आधार पर होगा, किस आधार पर इन नेताओं को चुना जाएगा जो उत्तर प्रदेश सरकार में अलग अलग विभागों के मंत्री बनेंगे या उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कितने बनेंगे, ये भी उसमें अहम है। इसके अलावा बीजेपी के लिए एक और बड़ा गंभीर विषय यह है कि आने ही वाले दिनों में 24 का चुनाव भी है, साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसको देखते हुए भी बीजेपी पूरी रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ आना चाहती है और ऐसे में ये पॉसिबल तभी होगा, बीजेपी की जीत पॉसिबल तभी होगी 24 में जब वो उत्तर प्रदेश में जो अपनी टीम है वो मजबूत और बेहतर टीम उतारे और उसी पर मंथन चल रहा है। फिलहाल जो भी लोग मंत्री बनना चाहते हैं मौजूदा सरकार में, जो चाहते हैं कि इस बार उन्हें कोई अच्छा विभाग मिल जाए और हमारा जो काम है वो शुरू हो जाए, चल जाए, वो अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपना जो समय है वो बिता रहे हैं, सवेरे लखनऊ, शाम को दिल्ली और वहाँ पर अलग अलग तरीके से जुगाड़ लगाने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत गुजर रहे हैं कि कैसे भी हो करके जो पहली लिस्ट आए उस लिस्ट में नाम आ जाए और मंत्री वाला जो तमगा है वो लग जाए। ये कोशिशें लगभग सभी की चल रही हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बार जो डिप्टी सीएम है उस डिप्टी सीएम में किसका चेहरा होगा, किसका चेहरा नहीं होगा, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन बीजेपी के अंदर खानों से ये चर्चाएं जरूर आई हैं कि बसपा के 12% वोट बैंक जो अब बचा हुआ है उसमें भी सेंधमारी करने के लिए किसी एक नए चेहरे को बसपा, जो मायावती के रूप में हो सकता है, रूप के कहने का मतलब ये है कि मायावती जिस दलित वर्ग का वोट अपने पास करने की या अपने लिए मांगने की उम्मीद रखती हैं जो इस बार चुनाव में उनके पास नहीं आया है, उन्हीं के बीच का ही कोई चेहरा बीजेपी ला करके उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बना सकती है। इसके अलावा एक चेहरा ब्राह्मण चेहरे के रूप में होगा, स्वतंत्र देव सिंह पटेल, ये भी काफ़ी अहम है, काफ़ी मजबूत नेता है, संगठन में भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस बार उन्होंने कमान संभाली थी और बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिर से जीत कर आई, जमीनी नेता कहे जाते हैं, उनका भी दमखम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो दलित समाज, ब्राह्मण समाज, पटेल समाज, इन अलग अलग समाजों के नेताओं की तरफ से भी उम्मीदें लगी हैं कि उनके बीच का कोई बड़ा नेता इस बार उत्तर प्रदेश में प्रमुख कुर्सियों पर सवार हो सकता है। देखना ये होगा कि आखिर कौन होगा वो बड़ा चेहरा और लगभग इसकी तैयारी भी चल रही है। बताया जा रहा है कि सूची लगभग तैयार है और उस सूची पर आखिरी मोहर लगवाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली भी पहुंचे हुए हैं और वहां पर भी इस वक्त गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सबके साथ बैठ करके चर्चाएं चल रही हैं बीजेपी कार्यालय पर कि आखिर किसको क्या बनाना है, किसको क्या सौंपना है। लेकिन इन सबके बीच में बीजेपी के लिए समस्याएं ये भी हैं कि इस बार उनके 10 बड़े मंत्री जो हैं वो चुनाव हारे हैं, जो कि पश्चिम में भी मजबूत थे, पूरब में भी मजबूत थे, पूरे उत्तर प्रदेश में दमखम रखते थे और विपक्ष के सामने उन्हें हार झेलनी पड़ी है।
तो ऐसे में उसका खामियाजा कैसे भुगता जाएगा, कैसे भरपाई उसकी करी जाएगी। अगर बात करी जाए पश्चिम में, तो पश्चिम में कई सारे बड़े नेता रहे, जिसमें सुरेश राणा की नाम बात हम कर सकते हैं, संगीत सोम की बात कर सकते हैं, उमेश मलिक की बात कर सकते हैं, इन सब की भरपाई कैसे करी जाएगी। पश्चिम में सबसे अहम जाट वोट जो रहा है, उस जाट वोट को बीजेपी के पाले में खींचने में कौन कौन से वो बड़े नाम बीजेपी के रहे हैं जिन्होंने जाट वोट को अपने पाले में खींचा है, जो पश्चिम के किसानों को अपने साथ लेकर के आए हैं, उनको भी इनाम देने की बात चल रही है। संजीव बलियान उसमें प्रमुख नाम है, क्या उन्हें केंद्र से लाया जाएगा, यहाँ पर लाया भी जा सकता है। तो इन सब पर कहीं ना कहीं चर्चाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, और लगभग ये बताया जा रहा है कि इन सब के बीच में करीब 50 मंत्री और 3 डिप्टी सीएम की एक सूची जो है वो लगभग तैयार हुई है, जिस पर विचार विमर्श अब चल रहा है दिल्ली में। फिलहाल क्या होगा ये देखना है हमें, क्योंकि 20 और 21 तारीख को बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का शपथ ग्रहण समारोह हो सके, और उसमें कौन फाइनल होगा, किसका नाम जारी होगा, ये देखना अहम है। लेकिन इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी भी चुनाव के बाद काफी माहौल बनाए हुए हैं अलग दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए। अखिलेश यादव आज सीतापुर गए हुए थे, सीतापुर में वहां पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार तो बना ले गई है, लेकिन जनता ने एक बड़ा समर्थन समाजवादी पार्टी को भी दिया है, और ऐसे में जो बेरोजगारी, जो महंगाई, जो किसानों की समस्या, जो अन्य समस्याएं जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा रही थी, उन समस्याओं को लेकर के एक बार फिर से हम बीजेपी के लिए समस्याएं खड़ी करते रहेंगे और उनसे सवाल पूछते रहेंगे, उनसे ये कहते रहेंगे कि इन समस्याओं का हल निकाला जाए। तो ये एक अहम बात है, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में चर्चा हो रही है, ऐसे में कश्मीर फाइल्स के ही देखते हुए लखीमपुर फाइल्स एक पिक्चर मूवी और बनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लखीमपुर में किसानों को थार गाड़ी ने रौंदा था, और अभी तक जो उसके प्रमुख आरोपी थे वो फिर से जेल से बाहर हैं, तो इस पर भी एक मूवी जो है वो बननी चाहिए। उधर कांग्रेस ने भी कल एक बड़ा फेरबदल किया है, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उन्हें उनके पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि केंद्र नेतृत्व ने उनसे इस्तीफा मांग लिया था चुनाव की हार को लेकर के, और उसके बाद अजय कुमार लल्लू ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। और आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में काफी मेहनत करी, जिसने अपना संगठन मजबूत किया और मजबूती से चुनाव लड़ी, उसने आज पंजाब में अपनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह किया, और अब वो ये कह रहे हैं कि 27 में उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में आगे के दिनों में क्या होने वाला है, विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरेगा और सरकार किस तरह से काम करने वाली है। फिलहाल कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है, या यूं कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज जो वोट था वो बढ़ गया है, और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं, महंगाई का बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी अभी भी वैसी है, हमारा यूथ निराश हो गया। मैंने कई घटनाएं देखी और सुनी जहां यूथ और खासकर कई पार्टी से जुड़े लोगों ने शर्तें लगाई, कुछों ने जहर खा लिया, कुछ आत्मदाह तक पहुंच गए, तो ऐसा परिणाम आना किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इस परिणाम ने समाजवादियों की नैतिक जीत दिलाई है। जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स में भी फिल्म बनी। भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं बुनियादी सवालों का जवाब देना होगा, महंगाई, बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश के विकास को। मैं सरकारी कर्मचारियों का
और जिन लोगों ने बैलेट से वोट दिया उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी संख्या में उन्होंने पार्टी के पक्ष में मतदान किया, 2/3 से ज्यादा समर्थन समाजवादियों को मिला। तो इस प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जावेद अहमद साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अभिनंदन त्यागी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इमरान लतीफ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जनता संघर्ष मोर्चा से सुभाष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाह रहा था, क्योंकि लगातार अब लगभग सभी चौराहों पर, गलियों में और लगभग सभी के बीच ये चर्चा हो रही कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा और इस बार कितने डिप्टी सीएम और कौन मंत्री बनेंगे और इसकी योग्यता क्या होगी, किस आधार पर चयन किया जा रहा है, क्योंकि लखनऊ से दिल्ली तक लगातार आपके जीते हुए विधायक जो हैं वो चक्कर काट रहे हैं। तो क्या रणनीति बनी है, क्या आगे का खाका आप लोगों की तरफ से तैयार हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की यह जीत जो है वो कई मायने में पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश के राजनीतिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स को काम देने जा रही, इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है कि जो अगला मंत्रिमंडल हो वो संतुलित हो, विकासोन्मुखी हो और जो जनता ने विश्वास भरोसा दिलाया है उस पर खरी उतरे जी। मेरा शीर्ष नेतृत्व पार्लियामेंट्री कमेटी इन सब चीजों को डिसाइड करती है, तय करती है। इस पर किसी प्रकार की ज्योतिषीय भविष्यवाणी करना मुझे लगता उचित नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, वो कोई भी कवायद कर सकता है, कहीं जा सकता है, मिल सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहुत संतुलित तरीके से हर प्रकार के पक्ष को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेगा और नया जो मंत्रिमंडल होगा, नई जो हमारी सरकार बनेगी वो पिछले कार्यकाल से भी कई गुना बेहतर परफॉर्म करके दिखाएगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है और ऐसे ही लोगों को चुना भी जाएगा। चाहे वो विकास के संतुलन की बात करें, जातीय संतुलन की बात करें, क्षेत्रीय संतुलन की जो बात आप कर रहे थे, इन सभी मुद्दों को राजनीति में चूंकि कोई विषय ऐसा नहीं होता है कि उसे न लिया जाए, उन सभी पर ध्यान दिया जाता है, उसको माइन्यूटली जो है उस पर एनालिसिस होती है और उसके बाद ही कोई एक निर्णय निकल करके बाहर आता है। तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व इन सभी पक्षों पर ध्यान दे करके ही कोई निर्णय लेगा। अच्छा गौरव जी, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये था कि सबसे अहम चीज ये है कि आपके करीब 10 मंत्री हारे हैं और पश्चिम में कुछ ऐसे बड़े नाम निकल कर सामने आए हैं जिन्होंने काफी मजबूती के साथ वहां पर जो जाट और किसान का वोट था वो आपके साथ ले आए, वो लोग आपके पाले में वो वोट गिरा है। तो पश्चिम में कौन से क्या कुछ बड़े नामों पर चर्चा आप लोगों की तरफ से हुई है, पार्टी की तरफ से हुई है? दूसरा सवाल एक इसी में ये भी जोड़ देता हूँ कि आज अखिलेश यादव एक बार फिर से लखीमपुर मुद्दे को हवा देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कश्मीर फाइल्स बनी है उसी तरह से लखीमपुर फाइल्स भी एक मूवी बननी चाहिए जो कि जनता के बीच दिखाई जाए और उसका सच जो है वो सामने आए। मुझे लगता है अखिलेश जी की हसरत जरूर पूरी होगी और सैफई फाइल भी बनेगी। अयोध्या कांड में उनके पिताजी ने जिस तरीके से गोलियों से भुनवाया था राम भक्तों को, कोई अयोध्या फाइल्स इस तरीके से अगर फाइल्स बनने लगे तो उनके सारे कारनामे जो है वो बाहर आ जाएंगे, उजागर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इस प्रकार के मांग और इस प्रकार के हास्यास्पद बयान देना समाजवादी पार्टी के मुखिया के मुंह से, ये कहीं ना कहीं जनता का जो मैंडेट है उसका अपमान करने जैसा है। और आज जो कश्मीर फाइल्स फिल्म पूरे देश भर में जो एक वामपंथी इकोसिस्टम रहा है, कांग्रेसी इकोसिस्टम रहा है और उसी के हिस्सेदार समाजवादी पार्टी भी रही है, उसके समर्थन में, उसके विरोध में आकर के इस तरीके का प्रोपेगंडा चला रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये एक प्रकार का राष्ट्र विरोधी गतिविधि इसको कह सकते हैं, ये राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोधी का संघर्ष है और वो चलता चला रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ, राष्ट्र के साथ खड़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन भारत की जनता का, प्रदेश की जनता का लगातार मिल रहा है और ये बढ़ता भी जा रहा है। और जैसे जैसे इस प्रकार की मांग ये लोग करेंगे और उस रास्ते पर चलेंगे, मुझे लगता है हमारी लड़ाई और आसान होगी और उत्साह के साथ हम जमीन पर जाएंगे। ठीक है, मैं आता हूँ। जावेद अहमद साहब हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं।
जावेद भाई, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो इस बार का मंत्रिमंडल होगा, उसमें किस योग्यता पर मंत्रियों को बनाया जाए ताकि वो जनता के बीच जाकर काम कर सके? क्योंकि आप लोगों ने साफ तौर पर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर आज इस बात को कह दिया है कि बीजेपी के लिए समस्याएं होने वाली हैं, जो बेरोजगारी, जो महंगाई, इन मुद्दों पर जिस पर सपा ने चुनाव लड़ा था, उन्हीं मुद्दों को लेकर के वो घेरते रहेंगे बीजेपी को और सवाल पूछते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि किस आधार पर नेताओं का चयन किया जाएगा बीजेपी में? नितिन भाई, सबसे पहले अपने डिबेट के पैनल में जुड़े हुए सभी साथियों को, प्राइम के सभी साथियों को, जो दर्शक देख रहे हैं उनको होली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका सवाल है, गौरव भाई ने भी कुछ प्रश्न उठाए हैं जी। देखिये, योगी जी का जो जनता ने बहुमत दिया है उसका सम्मान है, उससे तो कोई किंतु परंतु नहीं है। योगी जी के पहले मंत्रिमंडल की स्थिति देखिए, पांच छह मंत्रियों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी नहीं जानते थे कि योगी जी के मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री है। मुख्यमंत्री भी कुछ अफसरों के साथ सरकार चलाते थे। जब जनप्रतिनिधि मंत्रिमंडल में अपनी भावनाएं व्यक्त ना कर सकते, अपने क्षेत्र की या अपने विभाग की समस्याओं पर चर्चा ना कर सकते और पूरा एकाधिकार एक मंत्री के पास हो, तो निश्चित रूप से क्या स्थितियां उत्पन्न होती है। यही तो ये कामना है गौरव भाई से, और ये जो योगी टू गवर्नमेंट फॉर्म होगी 22-23-24 में, शायद 24 को होने जा रहा है, शपथ ग्रहण जो सूचनाएं आ रही है, कि मंत्रिमंडल में आप किसको हिस्सेदारी देते हैं किसको नहीं देते हैं, ये मुख्यमंत्री का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जनता बिल्कुल चाहेगी कि जनता को जिस तरीके से आपने उसका वोट लिया है कि मंत्री जो हो, जो जनप्रतिनिधि हो, वो कम से कम उन स्थितियों का सामना ना करे कि डिप्टी सीएम कोई स्थूल मंत्री बन जाए और उत्तर प्रदेश की जनता मंत्रियों के नाम ना जाने और स्थिति यहाँ तक आ जाए कि एक कैबिनेट मंत्री का फोन कोई सीएमओ ना उठाए आपदा काल में। इन स्थितियों से बचने की आवश्यकता है और अधिकार विहीन मंत्री नहीं होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि एक मंत्री को मंत्रिमंडल की अपनी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। आपको जनता ने बहुमत दिया है, हम विपक्ष में है, अपने सवाल उठाएंगे, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं जहां पर सरकार गलतियां करेगी, तो समाजवादी पार्टी का विधानमंडल दल हो या पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में निर्देश में सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे, ये हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं, गौरव भाई ने कहा, हाँ बताइए क्या कह रहे थे। गौरव भाई ने कहा लखीमपुर फाइल पे अभी बताया कि सरफाइल फाइल, अगर गौरव भाई बीच में नहीं तो कहेंगे, तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये इतिहास में दर्ज है और ये सबके सामने है, पर बहुत पुराना इतिहास नहीं है। 1989 दिसंबर में जो सरकार बनी थी वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग और समर्थन से बनी। उसी सरकार के बाद गृह मंत्री की बेटी का अपहरण होता है, कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों का कत्लेआम शुरू हो जाता है, तो उस कश्मीर फाइल्स में भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोग था उस सरकार में, उस पर भी क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खेद व्यक्त करने के लिए तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको समर्थन देती रही उस दिन तक जब तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू हो गई, और जैसे ही बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का की घोषणा की, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार से समर्थन वापस लिया। जिस समय कश्मीरी ब्राह्मणों का कत्लेआम हो रहा था, कश्मीर में मंदिरों का ध्वंस हो रहा था, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए ध्वस्त किया जा रहा था, उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी ना करके अपने उन दाग को, अपने उन पापों को छिपाने के लिए किस तरीके से इधर उधर घूमने का काम कर रही है, यह भी तो शुचिता का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है, व्यवस्था का सवाल है कि आपने जो गलती की थी उस पर आप मौन क्यों है। चाहे वो नेता कल कोई रहा हो, एक राजनीतिक दल और संगठन के रूप में आप एक बड़ी गलती करके आए हैं और आज आप उसकी तोहमत किसी दूसरे पर डालने का पाप कर रहे हैं। आगे पांच साल की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, निश्चित रूप से नितिन भाई, एक विपक्षी दल का, गौरव भाई को ट्रेजरी बेंच में बैठने का सौभाग्य मिला है, जनता ने उनको जनादेश दिया,
जनता ने हमसे कहा है कि आप विपक्ष में रहिए और हमारे सवालों पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, किसानों के उत्पीड़न पर, अन्याय के विरुद्ध आप सत्ताधारी दल को घेरने का काम करिए, उससे संघर्ष करने का काम करिए। यही तो जनता ने हमसे कहा है। हम विपक्ष की जो मर्यादित भूमिका है लोकतंत्र में, उस मर्यादित भूमिका का, भाषाई मर्यादा को बनाए रखते हुए हम सरकार का अभिमन्यु त्यागी तक आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। इमरान लतीफ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप इमरान भाई, आपको बहुत सारी बधाई। आप लोग पंजाब में आज सरकार बनाए हैं, शपथ ग्रहण समारोह आपका हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पंजाब तो हो गया, अब बारी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में अभी आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि 27 में हम आएंगे, लेकिन 22 में आप लोग कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। दूसरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो भी एक दो दिन में होने वाला है। आपकी नज़र में उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री बनाए जाएँ वो किस योग्यता के आधार पर हो, जनता के बीच कैसे जाएं, कैसे काम करें, और बीती सरकार में क्या कमी रह गई थी जिस कमी को बीजेपी पूरा करे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई। पंजाब की जो सरकार बनी है उसके लिए सभी देशवासियों के लिए खुशी का मौका है। एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत अब पंजाब में भी होने जा रही है, जहाँ सिर्फ काम की बात होगी, जहाँ सिर्फ काम किया जाएगा। जहाँ तक बात उत्तर प्रदेश के इस चुनावों की रही और आम आदमी पार्टी की जो का प्रदर्शन रहा है उसकी बात है, तो आम आदमी पार्टी ने 2022 का विधानसभा चुनाव अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लड़ा था। सीधी सीधी बात रही कि चुनाव के अंदर हम लोग गए, मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में था। यहाँ सिर्फ दो लोग, जो मतदाताओं का जो वर्गीकरण था वो सिर्फ दो तरह के मतदाता थे। एक वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी को वापस देखना चाहते थे, दूसरे वो लोग थे जो हर कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते थे। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वापस देखना चाहते थे उन्होंने कमल के फूल का बटन दबाया, जो उसको हराना चाहते थे उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, उनको वोट किया। परिणाम आपके सामने है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश के चुनाव हम बहुत पहले से देखते आए हैं। कभी बिजली पर बात नहीं होती थी, कभी पानी पर बात नहीं होती थी, कभी स्कूल और अस्पताल पर बात नहीं होती थी, और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। ये कहा जाता था कि इन सब मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में बात ही नहीं हो सकती है, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा ही नहीं जा सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से कम इतना हुआ कि कई सारी पार्टियों ने फ्री बिजली देने की बात की, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बनाने की बात की, पानी देने की बात की। तो ये आम आदमी पार्टी की सैद्धांतिक और वैचारिक जीत है इस चुनाव में, जिसको आप स्वीकार करेंगे, जिसको हर किसी को स्वीकार करना चाहिए। जहां तक बात 2027 की है, अब आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों के जरिए अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। गांव-गांव में अब हमारे पास लोग हैं, हमारे पास कार्यकर्ता हैं, हमारे पास नेता हैं, जो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की नींव को, बुनियाद को मजबूत करने का काम करेंगे। जहां तक अगले 5 साल की बात है, पिछले 2 वर्षों में भी इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यवहारिक, सशक्त और सकारात्मक विपक्ष के रूप में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। समाजवादी पार्टी समय समय पर जगने वाली पार्टी के रूप में रही है। आज कम से कम जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने पूरा साथ दिया समाजवादी पार्टी का, लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाई, जिसके कारण आज गांव-गांव में इस बात की चर्चा है, गली गली में इस बात की चर्चा है, नुक्कड़ नुक्कड़ पर इस बात की चर्चा है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी में सामर्थ्य नहीं है, ये ताकत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हटा पाए। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी जैसी ढीठ पार्टी को हटाने का सामर्थ्य रखता है, साहस रखता है, रणनीति रखता है, तो उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है, उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल। 5 साल जो आने वाले हैं उसमें क्या रणनीति है आप लोगों की, कैसे आप लोग बीजेपी के सामने रहेंगे, कैसे उनके कामों के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आएंगे जो जनता के हित में नहीं होंगे? देखिए, बीतले 2 से 2.5 साल के अंदर हमने उसका ट्रेलर दिखा दिया था कि कैसे विपक्ष की भूमिका अदा की जाती है। चाहे कोरोना के समय में घोटाले का मामला रहा हो तो आम आदमी पार्टी ने उजागर किया, चाहे राम मंदिर में घोटाले का मामला रहा हो आम आदमी पार्टी ने उजागर किया, चाहे जल शक्ति मिशन योजना में घोटाले
घोटाले का मामला रहा हो आम आदमी पार्टी ने उजागर किया, चाहे भर्तियों में घोटाले का मामला रहा हो आम आदमी पार्टी ने उजागर किया, यानी कुल मिलाकर चाहे वो सतीश द्विवेदी जी जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, उनका जो कस्तूरबा विद्यालय में जो 9 करोड़ रुपए खाकर बैठ गए वो घोटाला रहा, उसको आम आदमी पार्टी ने उजागर किया। कुल मिलाकर विपक्ष की राजनीति में जो रास्ता आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाया, प्रदेश की दो बड़ी पार्टियों ने उसको फॉलो करने का काम किया। अब इस बार आम आदमी पार्टी सिर्फ रास्ता दिखाने का काम नहीं करेगी, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सबसे मजबूत विपक्ष के रूप में, सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी के रूप में लड़ने का काम करेगी और अपने इसी संघर्ष के दम पर और संगठन निर्माण की प्रक्रिया के दम पर 2027 को फतह करने का काम हम करेंगे, जैसे पंजाब के अंदर हमने करके दिखाया। ठीक, अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु भाई आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि कल आप लोगों की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई करी गई है, आपके जो केंद्र के नेता हैं उनकी तरफ से, और आपके प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। अब अगला प्रदेश अध्यक्ष यूपी कांग्रेस को कौन मिलने वाला है, क्या योग्यता उसकी रहेगी, और आप उत्तर प्रदेश के जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जो लोग मंत्री बनाए जाएंगे उनके अंदर क्या योग्यता देखते हैं, कैसा मंत्री उत्तर प्रदेश को मिले, कैसे डिप्टी सीएम मिले? देखिए, कल इस्तीफा हुआ प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है और कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है और निश्चित तौर पर ही संगठन पर काम करने का वक्त भी है कांग्रेस पार्टी। और लेकिन एक बात इस चुनाव में जो सामने देखने को आई है, जिस तरह से भावनात्मक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ लिया, लेकिन जो जनता के असली मुद्दे थे वो अब बिखड़े हुए हैं, वो जब जब सामने आते रहेंगे, महंगाई बढ़ती रहेगी, तो कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष का काम करता रहेगा, नहीं तो कैसे करेगा? आप लोग तो इस बार पूरी कोशिश करने के साथ भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं कर पाए, पिछली बार से भी आपका रिकॉर्ड जो रहा वो खराब हो गया। चुनाव के दौर में हमने साइड से बाहर कर दिया जाता, चुनाव भाजपा और बना दिया जाता। अच्छा, मतलब ये कारण रहा क्योंकि जो बाइपोलर चुनाव हो गया दो पार्टियों के बीच में, उस वजह से आपको नुकसान हो गया? उससे ज्यादा नुकसान हो गया, हमको लग रहा था हमें बढ़त मिलेगी, वोट परसेंट भी बढ़ेगी। किसकी गलती रही? ये गलती किसकी रही? हमारी कमी रही, हमारी रणनीति की कमी रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता का फैसले का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं, जो इस समय जो भी विधायक जीत कर आए हैं और भाजपा को भी शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नए मंत्रिमंडल की बात है, तो इनके तो 11 मंत्री हारे हैं, डिप्टी सीएम से लेके सुरेश सिंह राणा तक हार गए हैं, और इनके जो मंत्री है वो फैसला लखनऊ में नहीं होगा, वो आरएसएस के कार्यालय में होगा, तो आरएसएस बनाएगी इनको और आरएसएस रिमोट कंट्रोल से चलाती है इनकी सरकारों को। अच्छा, तो वो जिसको चाहेगी, जो बेहतरी समझेगी, जो ज्यादा बड़ा चापलूस होगा तो वो काट छाट कर सकता होगा, जो बंटवारे की बात करेगा तो ये उसको बना देंगे अपनी पसंद के नेता को, ये इनका काम है। कांग्रेस का काम है जो जन विरोधी नीति लाएंगे उसके हम विरोध करेंगे, ठीक है? ठीक, मैं आता हूँ। सुभाष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, आपने सबकी बात सुन ली, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल बनने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, आपको क्या लगता है इस बार क्या नई रणनीति के तहत बीजेपी आएगी? क्योंकि 5 साल उन्होंने अपना काम किया, काम के बल पे एक बार फिर से वो जीत करके आए, ऐसा वो साफ तौर पर कह रहे हैं। अब आगे की रणनीति तय करनी है, आगे 5 साल फिर काम करना है, मंत्री किस योग्यता के आधार पर चुने जाएंगे, और दूसरी चीज, कितने डिप्टी सीएम आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में हो सकते? देखिए नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रही है। मैं इसके पहले भी आपको बोलता आया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुनियादी बातें होती, जो बुनियादी समस्याएं होती है, उसके ऊपर कोई ध्यान ना देना चाहता या देना नहीं चाहता। जैसा कि पोलराइजेशन की जो बात आती है, तो हाँ, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी चुनाव की बारी आती है, लेकिन यहाँ जो मंत्री पद के चुनाव की बारी आ रही है, मंत्री पद चुनने की बारी आ रही है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 2024 को ध्यान में रखकर ही मंत्रियों का जो गठन करेगी, क्योंकि 2024 आ रहा है, जाहिर सी बात है इन्हें केंद्र की जो सरकार बनानी है, केंद्र की सरकार बचानी पड़ेगी इनको, इसकी वजह से ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी मंत्रिमंडल का गठन होगा वो जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं, अगर ये पहले से देखते हुए आए, अभी देखें, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है जाति समीकरण के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे मंत्रियों की योग्यता नहीं देखी जाएगी, यहाँ पे मंत्रियों की जाति देखी जाएगी, मंत्रियों की जातिगत समीक्षा करने के बाद ही उनको मंत्री दिया जाएगा। अच्छा। और रही बात डिप्टी सीएम की, तो मेरे हिसाब से ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि 3 बनाए 4 बनाए 8 बनाए, क्योंकि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद है नहीं, ये तो जो भी सरकार अगर आना चाहती सरकार आएगी। अगर सपा भी आ गई होती तो जैसे कि राजभर साहब बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 8-8 डिप्टी सीएम बना देंगे, तो ये संवैधानिक पद तो है नहीं,
तो ये तीन बनाए, चार बनाए, पांच बनाए, लेकिन जो भी बनाएंगे ये 2024 को ध्यान में रखकर, जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर ही बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे जावेद जी का एक काउंटर सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कभी जवाब दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया गया है और इनकी पार्टी को मैंडेट दिया विपक्ष में रहने का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पार्टी को विपक्ष में रहने का जो मैंडेट दिया गया था और इन्होंने बोला कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के अंदर ये सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक संघर्ष करेंगे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनके नेता प्रतिपक्ष का छोड़कर वो तो अपनी विधानसभा सीट छोड़ने जा रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये उस जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, जिस जनता ने इनके ऊपर विपक्ष के लिए मैंडेट दिया, भरोसा जताया कि ये सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, हमारी बुनियादी चीजों के लिए आएंगे, संघर्ष करेंगे, तो वो तो अपनी सीट छोड़ के दिल्ली भाग रहे हैं, तो ये किस आधार पर बोल रहे हैं कि संघर्ष करेंगे? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो संघर्ष की बात है, तो समाजवादी पार्टी के विकल्प के रूप में अब मुझे समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग शायद आम आदमी की पार्टी की तरफ देखेंगे, क्योंकि इनके नेता संजय सिंह इसके पहले भी सड़कों पर संघर्ष करते आए, तो ये अपनी जमीन तो मजबूत कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की वासी इस बार पूरी तरीके से निगाह रखेंगे कि जिसको हमने मैंडेट दिया सरकार बनाने के लिए, जिसको हमने मैंडेट दिया अपोजिशन के अंदर हमारी लड़ाई लड़ने के लिए, वो तो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है नहीं, वो तो हमें छोड़ के दिल्ली जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत कदम है समाजवादी पार्टी के लिए, इनको कहीं ना कहीं इस कदम से पछताना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी ये सोचने वाली बात, दूसरी चीज ये है, नितिन थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं, मैं एक सवाल दे दे रहा हूं, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। कांग्रेस ने कल अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और दूसरी चीज ये है कि अखिलेश यादव आज बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा कि लखीमपुर फाइल्स भी बननी चाहिए कश्मीर फाइल्स की तरह। नितिन जी, सबसे पहली बात तो ये जो अजय लल्लू को जो हटाया गया है, तो हटाया क्या गया, उनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, तो जाहिर सी बात है हर चुनाव के अंदर होता है, जो भी पार्टी हारती है सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व को साइड करते हुए वो प्रदेश अध्यक्षों के ऊपर अपनी लगाम, अपना जो गाज गिराती है, तो अजय लल्लू के साथ में ये होना ही था, सिर्फ इनके साथ ही नहीं, उत्तराखंड में भी हुआ है, पंजाब के अंदर भी हुआ है, ऐसा अदर पार्टीज के साथ क्यों नहीं हुआ? अदर पार्टी के अंदर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को नहीं हटाया। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बात है, अदर पार्टी की बात अगर छोड़ दी जाए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, इनकी विपक्षी पार्टी भाजपा की, तो अब ये इनका इंटरनल मामला है कि क्यों हटाया या नहीं हटाया, ये अंतर इनके समीक्षा करेंगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अखिलेश यादव को समीक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे जो लल्लू वाली आपने बात की है, तो कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हुए, इन्होंने कुछ देर पहले बोला था जब आपने इनसे सवाल किया था मंत्री पद के लिए, इन्होंने बोला कि सारे मंत्रियों का जो डिसीजन होता है आरएसएस के मंत्री, आरएसएस के अंदर बैठ के होता है, आरएसएस का। तो भैया त्यागी जी, आपके भी अगर कोई सीएम बनते हैं और मंत्री बनते हैं, तो वो सुप्रीमो आपकी सोनिया गांधी तय करती हैं, वो भी वहां पे तय होता है, तो आप दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, कम से कम वो भी तो देखिए, आपके अंदर भी ऐसा नहीं होता है कि आरएसएस वहां तय कर रही, तो आपके यहाँ अपने आप तय हो जाता, आपके यहाँ ही आपकी मैडम सोनिया जी तय करती, राहुल जी तय करते हैं, तो वो उस पर ध्यान दीजिए। अखिलेश जी के आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैंने डिबेट शुरू होने से पहले अखिलेश जी का वीडियो देखा, अपने उस पर ध्यान देने वाली एक चीज है, अखिलेश जी का जो चेहरा था आज मुरझाया हुआ था, एकदम उतरा हुआ था, तो वो उतराए हुए चेहरे से, मुरझाए हुए चेहरे से कश्मीर फाइल्स के ऊपर अगर वो टारगेट कर रहे हैं कि नहीं लखीमपुर फाइल्स बननी चाहिए या फिर दूसरी जो फाइलें बननी चाहिए, ये पोलराइज करने का फिर अब ये प्रयास कर रहे हैं, जो आरोप ये भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे थे, अब ये आरोप अपने आप खुद अपने ऊपर ही साबित कर रहे हैं कि नहीं भैया, पोलराइज से भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती, हम भी कर रहे हैं। इन सब चीजों से मेरे एक मतलब इनको सुझाव है अखिलेश जी को, इनके जावेद भाई के माध्यम से, कि अखिलेश जी को इन सब चीजों से ध्यान हटाकर उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें विपक्ष का जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करते हुए सड़क के ऊपर आके संघर्ष करना चाहिए। ठीक है गौरव जी, जावेद भाई कह रहे थे कि आपके जो नए मंत्री हों वो दरअसल इस तरह के होने चाहिए जैसे पिछले थे वैसे ना हो, पहले जो आपके मंत्री थे उनका फोन सीएमओ नहीं उठाता था, आपके डिप्टी सीएम को स्टूल वाला मंत्री कहा जाता था, तो इस बार इन चीजों का ध्यान आप लोग दें, ऐसा जावेद भाई कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से। देखिये जावेद भाई, इस बात से निश्चिंत रहे, आने वाला 5 वर्ष भी हमारा कोई भी मंत्री पूरे संवेदनशीलता के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समर्पित रहेगा, ये हम उनको भरोसा देना चाहते हैं, और वो भी फोन करेंगे तो उनका भी फोन उठेगा, इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय को मैं सुन रहा था जी। और बहुत गंभीरता से और बहुत उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने की बात वो कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी लड़ी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को हराने में सफल नहीं रही, उनके इस बात से हम पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं और सहमत हैं, लेकिन साथ ही साथ जो झूठे अनर्गल प्रलाप उन्होंने किए
जो एक प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कभी बड़े पैमाने पर चुनाव नहीं लड़ती रही, 15-16 सीटों पर लड़ती रही। दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली का मॉडल प्रस्तुत करने की बात करते हैं, आधा अधूरा राज्य है संवैधानिक दृष्टि से, और वहां पर कोरोना काल में इनके नेताओं ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर का कालाबाजारी करने का काम किया। उसके अलावे जब 450 डेड बॉडीज वहां पर जमा हो गई तो केंद्र को अपने हाथ में पूरी व्यवस्था लेनी पड़ी, तब जाकर के व्यवस्था दुरुस्त हो पाई। इनके नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और बाद में जाकर के कोर्ट में माफी मांगते नहीं तो जेल में नजर आते। तो ये वो आम आदमी पार्टी है जो वामपंथी और जिहादी और आतंकी संगठनों से मदद लेने वाली पूरी की पूरी ब्लेंड है, और उत्तर प्रदेश की जनता इनको कभी कतई स्वीकार नहीं करेगी। इस बात के लिए ये रेस्ट एश्योर रहे, चाहे जितना गांव-गांव गली-गली घूमे, इनको सफलता उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इमरान लतीफ कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव सर, इमरान लतीफ कुछ कहना चाह रहा है। इमरान भाई क्या कह रहे हैं? देखिए नितिन जी, प्रदेश की जनता देख रही होगी कि अभी जावेद भाई बोले उन्होंने अपना पक्ष रखा, हमारे अभिमन्यु जी बोले कांग्रेस ने पक्ष रखा, इतनी तिलमिलाहट इनको नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने जैसा ही पक्ष रखा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तिलमिलाहट आ रही है, जो बौखलाहट आ रही है, वो इस बात की परिचायक है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने क्या जा रहा है। अच्छा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जा सकता है वो अगर कोई जानता है तो अरविंद केजरीवाल जानते हैं, अगर वो कोई जानता है तो आम आदमी पार्टी जानती है, और ये उत्तर प्रदेश में करके दिखाने वाले। और जहां तक कोरोना काल की बात है कि कोरोना काल में किस तरीके से, सिर्फ एक लाइन में बात कहना चाहूंगा कि कोरोना काल में किस तरीके से जो मोक्ष वाहिनी गंगा थी वो शव वाहिनी में तब्दील हो गई थी, वो कानपुर से लेकर गाजीपुर तक सबने देखा था, किसी से छिपा नहीं था। तो क्या व्यवस्थाएं कोरोना काल के समय में उत्तर प्रदेश में थी, ये भी किसी से छिपा नहीं था। और जहां तक गुड गवर्नेंस की बात है तो आज पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये बात कही जाती है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस तरीके से सरकार चला रही है उस तरह का कोई दूसरा उदाहरण पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में नहीं है। ठीक है, तो काम ही हमारी पहचान है, काम करने का तरीका ही हमारी पहचान है, डिलीवरी ही हमारी पहचान है, हमारी यूएसपी, ये पूरा देश कह रहा है। ठीक, गौरव जी बात पूरी कर लीजिए। देखिए अब इनके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, उत्तर प्रदेश में इनका कोई एग्जिस्टेंस ना है। नहीं, वो कह रहे हैं 27 में कैसे हराना है उनको पता है। नहीं ठीक है, वो हराए पूरे देश में। कांग्रेस पार्टी के साथ इन्होंने समझौता किया था 2004 में, 403 सीटों पर बकायदे 2004 में हम थे ही नहीं गौरव भाई, 2014 की बात सबका हो जाए, कोई समझौता नहीं हुआ था कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा, कभी किया था, कौन कौन लोग बैठे थे वो भी मुझे पता है, वो भी इनको डॉक्यूमेंट दे देंगे। तो ऐसा है कि समाजवादी पार्टी बड़ी गंभीरता से हमको ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका। करती है वो जनता से छुपा हुआ नहीं है, उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात एक नई शुरुआत फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करने जा रही है, और ये कार्यकाल लैंडमार्क होगा उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए। जिस तरह से विकास की नई गाथा आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, रिकॉर्ड 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में एक साथ हुआ। मुझे लगता है जो योजनाएं हमारी ऑनगोइंग थी वो लोकार्पित होंगी बहुत कम समय में, और जो बड़ी बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश को मिलने वाली हैं वो आज ग्रोथ इंजन बन करके पूरे देश का उत्तर प्रदेश माना जाएगा इस कार्यकाल में, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और जो नया मंत्रिमंडल बनेगा वो इसको परफॉर्म करेगा, जिस तरह से 40-40 साल पुरानी परियोजनाएं, चाहे वो सिंचाई की परियोजना हो, चाहे वो 1952 में उद्घाटन किया हुआ पुल हो उसको लोकार्पित करने का काम हमारी सरकार ने किया, चाहे बाणसागर परियोजना हो या फिर जमानिया का पुल हो, तमाम सारी ऐसी योजनाओं को हम गिना सकते हैं जो दशकों से लंबित पड़ी थी हमारी पिछली सरकार ने, उसको पूरा किया वर्तमान सरकार ने, और जो नई सरकार आ रही है उसमें और नए नए कीर्तिमान गढ़ेगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। मुझे लगता है इन लोगों को इंतजार करना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में भी इन्हें स्वीकार नहीं करने वाली है, कुछ भी कर ले 2027 में। ठीक है, जावेद भाई मैं ये पूछ रहा था, अखिलेश यादव को इस वक्त ज्यादा जरूरत उत्तर प्रदेश की है या फिर उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव की ज्यादा जरूरत है जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, तो उसके बावजूद वो अपनी विधानसभा की सीट छोड़कर के दिल्ली के लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये सवाल कहीं ना कहीं सपाइयों के मन में भी बना हुआ है और जो सपा को वोट करते हैं उनके मन में भी बना हुआ है। नहीं, जैसे नितिन भाई सुभाष जी ने भी कहा, दोनों सवाल एक जैसे हैं। निश्चित रूप से मैंने जो कहा कि विधानमंडल दल से लेकर और अखिलेश जी के नेतृत्व में सड़क पर कार्यकर्ता निश्चित रूप से उतरेंगे अखिलेश जी की अगुवाई में, संघर्ष में
ना समाजवादी कार्यकर्ता साथी। नहीं तो जब दिल्ली चले जाएंगे तो कैसे उतरेंगे? नहीं दिल्ली, दिल्ली भी एक भूमिका है ना, दिल्ली में भी सदन के अंदर संसद में। अभी तो यूपी ज्यादा है, मैं नितिन भाई लोकसभा कोई अलग तो नहीं है, वहाँ पर भी तो उत्तर प्रदेश के विषयों पर चर्चा होगी। नितिन जी सवाल है, वहाँ चर्चा करेंगे। जावेद भाई सुभाष जी कुछ पूछ। जावेद भाई आपकी बात से चलिए मैं एक सेकंड के लिए एग्री भी कर लेता हूँ, लेकिन जब अखिलेश यादव जी को दिल्ली में ही रह के राजनीति करनी थी तो उनको क्या जरूरत थी मैनपुरी की करल सीट से चुनाव लड़ने की? अगर मैंडेट आ जाता तो एमएलसी बन के मुख्यमंत्री बन गए होते, उनको विधानसभा लड़ना ही नहीं था। अगर विधानसभा लड़ा और उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने की भूमिका अदा करने के लिए बोला तो वो विपक्ष में क्यों नहीं बैठ रहे, वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता भी तो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके की अनेक बार परिस्थितियां आई हैं, कोई समाजवादी पार्टी के सामने ही नहीं आई है, बहुत से राजनीतिक दलों के बीच इस तरीके के फैसले लिए गए हैं कि चुनाव परिणाम आने के बाद हमें क्या करना है। ये सवाल जी आप नितिन भाई ये आप लोग वर्षों से देखते रहे हैं, इसमें कुछ अलग सा कुछ अगर दिखाई दे रहा हो, हम ना जनता को छोड़ रहे हैं ना जनता हमें छोड़ने जा रही, हमें अपना वोट शेयर भी बढ़ाना है, हमें जनता के सवालों पर संघर्ष भी करना है और हमें मुद्दों को लोकतंत्र को जीवंत बनाना है। आप मेरे सवाल को डिनाई कर गए, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना। सवाल को डिनाई कर, मैंने तो ये पूछा कि अगर आपके नेता को दिल्ली की राजनीति करनी है, अगर बाय द वे मान लीजिए अगर आपके मैंडेट आ गया होता मुख्यमंत्री बनते अखिलेश जी, तो जैसे पिछली बार बने थे 2012 के अंदर 17 के अंदर एमएलसी बने थे, तो इस बार करल से चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी उनको, जब उनको दिल्ली की राजनीति करनी है तो आवश्यकता नहीं पड़ी, ये पार्टी का फैसला था। योगी जी को भी, वो भी एमएलसी बन जाते, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी भी एमएलसी बन जाते, एक डिप्टी सीएम एमएलसी से ही। तो ये कोई एक राजनीतिक दल में मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक राजनीतिक दल में हुआ परिस्थितियों वक्त या समय समय पर सभी राजनीतिक दलों में हुआ, ये हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर भी समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर संघर्ष करेगी और लोकसभा में अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो वहां पर भी इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और संघर्ष करेंगे। तो इसको अलग अलग लेने की कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं सुभाष जी, नितिन भाई, कि आपने सवाल खड़े किए हैं अगर हमारे सामने, तो हम उन सवालों के जवाब में खड़े साबित होंगे, यह निश्चित रूप से एक दिन आप स्वयं कहेंगे। लेकिन खड़े साबित जावेद जी लेकिन खड़े साबित कैसे होंगे? संघर्ष अगर आप करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए संघर्ष करेंगे, तो आपकी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा? जैसे आप लोग बता रहे हैं शिवपाल जी को बनाएंगे, टेक्निकली शिवपाल जी आपकी पार्टी के एमएलए हैं। नहीं बिल्कुल, विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसमें नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा और अखिलेश जी उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं जा रहे, वो तो उत्तर प्रदेश में ही है। जब सदन चलेगा, संसद चलेगी, तब वो वहां पर होंगे और आवश्यकता अनुसार वो अगर बीच में आना पड़ा तो आएंगे। तो ये तो पार्टी तय कर लेगी। आज देखिए कि वो स्थितियां नहीं है, हमें संघर्ष करना है। और बहुत ही सॉफ्टली नकार गए, खैर कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन वास्तविकता जो है वो आप भी उससे अनभिज्ञ नहीं और मैं भी अनभिज्ञ नहीं हूँ। अरे नितिन जी मुझे क्षमा करिएगा, मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है धन्यवाद सभी लोगों को, आपको आभार एक बार पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है धन्यवाद धन्यवाद अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए। अभिमन्यु भाई अब आगे की क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, किस पर कोई चर्चा आप लोगों की हुई है और कैसे 5 साल बिताने वाले हैं आप? देखिए ये सब तो तय आला कमान करेगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन 5 साल हम लोग क्या करना है ये जानना है। प्रियंका गांधी जी यहाँ रहेंगी और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं जिनके लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही थी, जनता के बीच में जा रही थी, जहाँ भी अन्याय हो रहा था वहां वो पहुंच रही थी, वो लगातार कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज उठाती रही। क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की आगे की? अब तो रणनीति खुद ही बनाई जाएगी नई तरह से। अभी तो मंथन चला, अभी तो बहुत अभी आप लोगों ने क्या अपनी हार पर किसी प्रकार का कोई मंथन किया? आपने सोचा क्यों हार गए, क्या कमियां रह गई, कौन सा ऐसा मैसेज था जो जनता तक नहीं पहुंच पाया? उसकी जो हार की मंथन और सुझाव के लिए आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी जी की तरफ से आज एक ईमेल आईडी भी दी गई है कि अपना फीडबैक दिया जाए, जो की कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग हैं वो अपने वहाँ फीडबैक दे सकते हैं। उसकी रणनीति पर कांग्रेस पार्टी काम करेगी, बहुत जल्दी परिवर्तन होने जा रहा है, एक नई टीम बनने जा रही है, ऐसा आशा है कि बहुत मजबूत टीम बनेगी। मजबूत टीम बनेगी,
ठीक है इमरान भाई, गौरव जी ने कई सारी बातें बोली आपको लेकर के, आम आदमी पार्टी को लेकर के, पंजाब को लेकर के, क्या जवाब है आपका? देखिए, जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब में एक ऐतिहासिक फैसला आया है और पंजाब वो राज्य होगा जो पूरे देश की राजनीति को नई दिशा देने का काम करेगा, एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत करने का काम करेगा। जहाँ तक अभी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की हुई, निश्चित रूप से उसके लिए मुबारकबाद के पात्र हैं, लेकिन ये बात समझने वाली है कि ऐसा हुआ क्यों। जब इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी, छात्रों में नाराजगी दिख रही थी, किसानों में नाराजगी दिख रही थी, महिलाओं में नाराजगी दिख रही थी, उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है तो ये कहीं ना कहीं जो प्रमुख विपक्षी पार्टी थी, जो विपक्षी पूरे विपक्षी खेमे को लीड करने का दम भर रही थी, ये उसकी विफलता है, उसकी नाकामी है। ये पिछले 5 वर्षों में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी किया हो, सरकार की कितनी भी नाकामियां रही हो, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी थी समाजवादी पार्टी, वो उसको उठाने में पूरी तरीके से विफल रही, विपक्ष के रूप में लड़ने में पूरी तरह से विफल रही। एक तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एक रीढ़ विहीन, कमजोर, बेचारे, बेसहारे जो है विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका अदा की, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत विकल्प के तौर पर पेश नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इस तरह के परिणाम आए, और यह गलती अब 2027 में दोहराई नहीं जाएगी। आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के तौर पे उत्तर प्रदेश में लड़ने का काम करेगी, संघर्ष करने का काम करेगी। पंजाब का जो हमारा काम होगा, दिल्ली का जो हमारा काम होगा, उसको हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका हम बेहतर ढंग से निभाने का काम करेंगे, अपने संगठन निर्माण करने का काम करेंगे, और 2027 में समाजवादी पार्टी की जगह पर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने वाले विकल्प के तौर पर तैयार होंगे। और निश्चित रूप से जिस तरीके से दिल्ली में जनता ने हमको हाथों हाथ लेने का काम किया, पंजाब में हमको हाथों हाथ लेने का काम किया, उसी तरह का प्रचंड बहुमत, उसी तरह का प्रचंड सहयोग, समर्थन हमको उत्तर प्रदेश की जनता से 2027 में मिलेगा। ठीक है सुभाष जी, लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगा, अब आगे क्या होगा उत्तर प्रदेश में, 5 साल कैसे बिताए बीजेपी, और कैसे विपक्षियों को सतर्क रहना पड़ेगा, किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में विपक्षियों को अब आना बहुत जरूरी है? देखिए, विपक्ष को जो जनता के बीच में जो मुद्दे लेके जाने वाली बात है, तो मुद्दे तो खैर नितिन जी बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे कि सही अभी इमरान भाई ने बोला, तो वास्तविकता भी यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर मुद्दों के मामले के अंदर विपक्षी जो पार्टियां थी वो उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने के अंदर विफल साबित हुई है, तो कहीं ना कहीं इनका फेलियर है। उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर अगर उनके अंदर भरोसा पैदा करना है तो विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को पूरी तरीके से भरोसे में लेना होगा, उनके जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाना होगा, जैसा कि आम आदमी पार्टी करती आ रही है, पंजाब के अंदर उन्होंने किया, इसकी वजह से उन्होंने सरकार बनाई। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी के साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए थे नेतृत्व ने, उत्तर प्रदेश की जनता को शायद ये यकीन दिलाने के अंदर सफल हुए हैं कि हम ही आपका भला कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी, किसानों का आंदोलन चल रहा था, शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था, कई ऐसी सारी चीजें थी जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आती है तो मैं समझता हूं कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की और योगी जी की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर सरकार बनाने के अंदर सफल हुए हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। विपक्ष को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरह इनको सोचना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द अब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, और उसके बाद एक बार फिर से सरकार फुल पावर में आकर के आने वाले 5 सालों के लिए काम करना शुरू कर देगी। ऐसे में लोगों को उम्मीद यही है कि इस बार पिछले 5 साल में जो काम सही तरीके से नहीं हो पाए हैं, उन कामों को इस बार बीजेपी बेहतर तरीके से करे, और उसके लिए उनको एक बेहतर टीम की जरूरत भी होगी, और उस टीम का ही गठन अब होना है। तो ऐसे में उम्मीद लगभग उत्तर प्रदेश की जनता, युवा, बेरोजगार, महंगाई से झेल रहे लोग, सबको है कि इस बार बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास और उत्तर प्रदेश में काम होगा। देखना ये होगा कि आखिर इन नई फहरिस्त में कौन कौन से नए मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में काबिज होते हैं और जनता के बीच आकर के काम करते हैं। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।